हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ यूके की टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। सो आज हम मेन टॉप 6 यूके की जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लिस्ट मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर डेवलपर, दूसरा है मेडिकल प्रोफेशनल, फिर फाइनेंशियल मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर्स। तो मैं आपको हर एक के बारे में क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या स्किल चाहिए, वो टॉपिक में वन बाई वन आपको बताती हूँ। सो मैं डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशनल। मेडिकल प्रोफेशन में आप सभी को पता है, जब से पैंडमिक सिचुएशन आ गई उसके बाद ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि हर एक को कोई ना कोई इमरजेंसी होती है मेडिकल प्रोफेशन की। तो ये आपके लिए सबसे डिमांडिंग कोर्स है अगर ये प्रोफेशन में आपको करियर बनाना है तो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम अब सभी को पता है कि अभी जो जनरेशन चल रही है वेब 2.0 चल रहा है, तो हम लोग वेब 1.0 से लेके 2.0 तक की सफर में तो आ गए और अब दुनिया जा रही है 3.0 के पास। तो आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी मार्केट में आ गई है, और अभी तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में चल रही है ब्लॉकचेन। उसके बाद ये तो बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है, जिसको इसमें भी करियर बनाना है तो काफ़ी लोग इसमें भी करियर बना सकते हैं। और मैं भी आईटी प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि आईटी के अंदर आप अपनी करियर को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। दूसरा, उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, अगर आप लैंग्वेजेस में जाना चाहते हो तो जावा लैंग्वेज है, .NET है, C# है, पाइथन है, ऐसी काफ़ी लैंग्वेजेस है जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट करके सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो, एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैसे कि एंड्रॉयड है या फिर iOS है। वो दोनों भी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग मोबाइल एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेशन डेवलपर की भी इतनी डिमांड है वहाँ पे, तो आप वो भी करियर चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट, जिसको ग्राफिक और आर्ट पसंद है तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं कि ग्राफिक काफ़ी सारे बना सकते हैं। आप सभी को पता है कि NFT का भी अभी बहुत मार्केट में चल रहा है, बिकॉज ऑफ ये क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है, तो वो NFT के लिए भी काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइनर और आर्टिस्ट जो है, जो कंप्यूटराइज डिज़ाइन करते हैं, उनकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी भी, अभी तो ये 3.0 की तरफ जा रहा है तो ये आपके पास और डिमांडिंग हो गया है, तो आप ये भी करियर में डेवलप कर सकते हो। फिर UI/UX डिज़ाइनिंग का भी आप काम कर सकते हो, जिसके अंदर आप पूरी वेबसाइट की जो फ्रंट व्यू होती है उसको आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर आप पूरा का पूरा डेटा को कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उसको किस तरह से पूरे फिल्टर करके प्रॉपर एक जगह पे उसको जो यूज करने के लिए डेटा का यूज होता है, वो डेटा मैनेजमेंट और माइनिंग के ऊपर पूरा डेटा को मैनेज करने का हो सकता है। उसके बाद आप जा सकते हो लैंग्वेजेस में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं वो भी कर सकते हो, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से काफी फ्रंट एंड डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर जो IT इंडस्ट्री है वो हमेशा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, तो अगर इनमें से ये IT बोलने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी हो जाती है। और अभी तो क्लाउड किचन्स भी मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं, तो अगर आप क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो फिर ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी तो जो रेस्टोरेंट और होटल्स इंडस्ट्री है उसके अंदर भी नए नए IT के जो भी ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स है और टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड किचन में अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मानना ये है कि आप IT में आपका करियर बनाना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट वे है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपके पास हर एक गेट्स ओपन है। तो ये था पूरा IT के बारे में। अगर आप UK में ये कोर्स या फिर ये इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के लिए आपके पास एजुकेशन की बेसिक डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप या बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस इन फाइनेंस पढ़े हुए हो, या फिर स्टैटिस्टिक पढ़े हो, या फिर इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी फाइनेंस के रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसकी डिग्री या सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि क्या है कि अगर आप उसके लिए आपके करियर में जब अप्लाई कर रहे हो तो ये बेसिक डिग्री वहाँ पे मैंडेटरी होती है, तो उसके लिए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ये होना चाहिए, ताकि जब आप कंपनी में एज अ फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर वहाँ पे जो ट्रेंडिंग में ये जो मैंने आपको बताया ऐसा चल रहा है, तो वहाँ पे आप कंपनी का फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, उसके ऊपर पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हो, वहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट जा रहा है, कहाँ लॉस जा रहा है,
तो ये जो प्रॉफिट लॉस से लेकर कंपनी का ग्रोथ के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल होता है वो भी वहां पे अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि हर बहुत सारी कंपनीज डेवलप हो रही है, कंपनीज ग्रो कर रही है, तो कंपनीज में फाइनेंशियल मैनेजर का इतना ही रोल होता है जितने अदर डिपार्टमेंट का होता है। तो ये अगर प्रोफेशन आप सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग डायरेक्टर। मार्केटिंग डायरेक्टर में कीवर्ड इटसेल्फ बता देता है कि मार्केटिंग कंपनी की सबसे अच्छी डिपार्टमेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ वो ही कंपनी के लिए सेल्स जनरेट करके आती है और कंपनी की ब्रांडिंग भी वो ही डिपार्टमेंट करता है। तो मार्केटिंग के लिए अगर आप प्रोफेशन चूज करते हो तो ये भी सबसे ट्रेंडिंग में होता है, बिकॉज ऑफ कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको मार्केटिंग की तो जरूरत होती है। तो अगर ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, हर टाइप के प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। मार्केटिंग लोग क्या करते हैं, वो मैनेजर्स पूरी टीम को बिठा के कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर जो भी कंपनीज होती है उसका ब्रांडिंग भी करते हैं और उसका सेल्स भी करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी जॉब बनती है जिसमें वन बाय वन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मैनेजर लेवल पे भी जा सकते हो और इनिशियल एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी जा सकते हो, और मार्केटिंग के अंदर आपको करियर बनाना है तो आपके लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो इसमें आपके पास कैलकुलेशंस यानी ग्राफ जैसे बनाते हैं, वो एनालिसिस मतलब जो भी डेटाज होते हैं मार्केटिंग की, वो डेटा एनालिसिस करने की भी आपके पास स्किल होती है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मार्केटिंग भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूके के लिए। अब हम लास्ट में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर की। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी नए स्टार्टअप्स होते हैं तो वो लोग पूरे के पूरे स्टार्टअप को समझते हैं, और हाँ ये पोजीशंस या फिर ये करियर बनाने के लिए आपके पास डिग्रीज मार्केटिंग की होनी चाहिए या फिर बिजनेस मैनेजमेंट की होनी चाहिए, कोई भी एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास 4 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप पूरी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो कि ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी और आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। वो अगर आप में स्किल डेवलप हो जाती है तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो प्रोफाइल है उसके अंदर आप काफी अच्छा करियर बना सकते हो, बिकॉज ऑफ उसमें क्या होता है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट तो करते हो लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसके हिसाब से आपके पास आपने जो इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो रही वो कंडीशन के साथ कंपनी जिसमें इन्वेस्ट किया है वो फुलफिल हो पाती है कि नहीं, वो भी आपके पास एनालिसिस करने वाले स्किल होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो अगर आप ये प्रोफेशन में भी जाना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑफ अभी काफी जगह पे न्यू कंपनी स्टार्ट होती है तो उनको काफी फंडिंग की जरूरत होती है, तो वहीं पे ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया यूके की ट्रेंडिंग जॉब के बारे में। तो अगर आपको ऐसी कोई भी अपडेट्स या फिर कोई जॉब रिलेटेड डिटेल्स हमारे पास से चाहिए तो हमें जरूर कमेंट में बताइए। तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।